वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद Realme ने Realme 9 Pro 5G सीरीज को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर दिया है। खास करके मेजोरिटी ऑफ द पीपल Realme 9 Pro Plus के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन इस फोन की प्राइस को देखकर मैं पर्सनली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। Realme 9 Pro Plus के बेस वेरिएंट की प्राइस 24,999 रखी गई है, करीब करीब 25,000 रुपए 6128 वाला वेरिएंट मेरे अकॉर्डिंग ओवर प्राइस फोन है। 3,000 रुपए और कम होने चाहिए थे। HDFC बैंक का कार्ड अगर आपके पास है तो ये फोन आप 23,000 रुपए में बाय कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज को भी ध्यान रखना होगा, सबके पास HDFC बैंक का कार्ड नहीं होता। दोनों ही फोन की प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिर्फ Realme 9 Pro की प्राइस ठीक ठाक है। इन दोनों फोन को हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे कौन सा एक फोन किस यूजर को टारगेट करता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ। दोनों ही फोन की बिल्ड क्वालिटी को लेकर काफी ज्यादा अंतर है। Realme 9 Pro Plus में आपको फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, जबकि दूसरी ओर Realme 9 Pro में प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी ऑफर की गई है। ग्लास बिल्ड का पॉजिटिव पॉइंट ये है, उस पर जल्दी से स्क्रैच नहीं आते और इन हैंड फीलिंग के मामले में ये फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो दिल और शीशा कभी भी टूट सकता है। ठीक उसी तरह प्लास्टिक बिल्ड का फायदा ये है, गिरने पर जल्दी से टूटेगा नहीं, लेकिन उस पर स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। ओवरऑल अगर आप फोन को केस लगाकर यूज करते हो तो ये कुछ चीजें मायने नहीं रखती। बाकी मुझे पर्सनली Realme 9 Pro Plus की डिजाइन अच्छी लगी। डिस्प्ले की ओर नजर करें, जो कि किसी भी स्मार्टफोन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। Realme 9 Pro Plus में 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और इसी के साथ 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। काफी कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले है, कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग खेलने में आपको मजा आएगा। इसी के साथ आउटडोर कंडीशन में इस फोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है, आपको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पीछे का जो रीजन है, इस फोन में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर की गई है, जबकि दूसरी ओर Realme 9 Pro में 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले ऑफर की गई है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। नो डाउट यहां पर डिस्प्ले के मामले में काफी ज्यादा बेटर है Realme 9 Pro Plus, लेकिन रिफ्रेश रेट के मामले में Realme 9 Pro आगे निकल जाता है। इन शॉर्ट, अगर आपको प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए खूबसूरती के साथ, तो ऐसे में Realme 9 Pro Plus को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ Realme 9 Pro Plus में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेता है, जबकि Realme 9 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट की गई है। परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि किसी भी स्मार्टफोन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, Realme 9 Pro में Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, जबकि Realme 9 Pro Plus में MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर ऑफर किया गया है। दोनों ही प्रोसेसर 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर हैं। सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं, डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको दोनों ही फोन से सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है, कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो हाई ग्राफिक वाली, तो ऐसे में आपके लिए Realme 9 Pro Plus एक बेटर ऑप्शन है। दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ होंगे, और इसी के साथ Realme UI 3.0 का यूजर इंटरफेस। दोनों ही फोन में आपको 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। Realme 9 Pro Plus में आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जबकि Realme 9 Pro में हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट ऑफर किया गया है। दोनों ही फोन में नियर बाय 13 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। इसी के साथ दोनों ही फोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी ऑफर किया गया है, ये भी काफी अच्छी चीज है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर है। Realme 9 Pro में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप ऑफर किया गया है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। मैक्सिमम 4K 30fps तक आप वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जबकि दूसरी ओर Realme 9 Pro Plus में आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरास देखने को मिलेंगे। यहां पर भी रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर सोनी IMX766 सेंसर के साथ। इसी के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो की काफी अच्छी चीज है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर।
इसी के साथ फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा सोनी IMX 471 सेंसर के साथ। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस फोन के फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो Realme 9 Pro में 5000 mAh की बैटरी ऑफर की गई है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि दूसरी ओर Realme 9 Pro Plus में 4500 mAh की बैटरी ऑफर की गई है और 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग। बैटरी कैपेसिटी के मामले में Realme 9 Pro आगे हैं, जबकि चार्जिंग स्पीड के मामले में Realme 9 Pro Plus आगे हैं। Realme 9 Pro Plus में आप एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि Realme 9 Pro से आप एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपको प्रीमियम डिजाइन, प्रीमियम डिस्प्ले, हाई ग्राफिक गेमिंग खेलना ज्यादा पसंद करते हो, 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लैगशिप लेवल के कैमरास चाहिए, तो ये सभी डिपार्टमेंट में Realme 9 Pro Plus एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका बजट 20,000 से नीचे है तो आपको Redmi Note 11 Pro सीरीज का जरूर से वेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों, मुझे पर्सनली Realme 9 Pro Plus ओवरप्राइस फोन लगा, 2,000 से 3,000 रुपए और कम होने चाहिए थे। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इन दोनों फोन को लेकर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी दोस्तों, आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आप इन दोनों फोन में से कौन सा एक फोन प्रीफर करोगे। नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताइए, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मायने रहती है। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।